नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ इस वक्त अरविंद कुमार सिंह। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के साथ शुरुआत करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। जनपद शाहजहांपुर के थाना जलालाबाद पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर मादक पदार्थों की होटलों पर सप्लाई करने वाले दो तस्करों को गिरफ्तार किया। बृहस्पतिवार की रात करीब 1 बजे पुलिस ने गश्त के दौरान कोला मोड़ से बदायूं जाने वाले रोड से दो अभियुक्त गुड्डू पुत्र निवासी थाना बिनावर जनपद बदायूं व गौरव पुत्र बरसलाल निवासी कस्बा देवचरा थाना भमौरा जनपद बरेली को कुल 4 किलो 40 ग्राम अफीम व 2 मोबाइल फोन व 1 मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया। अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध चल रहे कार्रवाई के क्रम में थाना जलालाबाद को कल एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई। देर रात इनके द्वारा दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से कुल मिलाकर 4 किलो 40 ग्राम अफीम बरामद की गई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 4 करोड़ रुपये है। गिरफ्तार अभियुक्त दोनों एक जनपद बरेली का है गौरव और दूसरा जनपद बदायूं का है जिसका नाम गुड्डू पुत्र रज्जू। इनसे पूछताछ के दौरान इन्होंने बताया कि वो बरेली से ही यहाँ अवैध मादक पदार्थ लाते हैं और थाना जलालाबाद क्षेत्र में इसकी खपत होती है। इसके अतिरिक्त ये यहाँ से हरियाणा और पंजाब भी भेजते हैं। इस पूछताछ के आधार पर जो तथ्य प्रकाश में है उन पर हमारी कार्रवाई चल रही है। गिरफ्तार दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं के अंतर्गत थाना जलालाबाद में भी पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।